नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑर्डरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं, देश में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, इस विषय पर। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वास्थ्य सचिव का कहना है, दूसरी कोरोना की लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है, त्योहारों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह चेतावनी केरल में अचानक बढ़ते कोरोना केसेस के बाद आ रही है, जहां केरल में पिछले हफ्ते ओणम का त्योहार मनाया गया, उसके बाद कोरोना के केसेस में एक उछाल देखी गई। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि कोविड का संकट देश से अभी टला नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि त्योहारों का सीजन नजदीक है, जिस कारणवश सितंबर और अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि देश में कई जगह त्योहार मनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि हम दूसरी लहर के संकट में हैं और अभी भी दूसरी लहर टली नहीं है। चेतावनी देते हुए वे कहते हैं, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव केसेस बढ़ने का मुख्य कारण हो सकता है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस वार्ता में कहा कि देश के 41 जिले कम से कम 10% की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट कर रहे हैं। बलराम भार्गव कहते हैं कि दूसरी लहर अभी भी भारत में मौजूद है और शहरों और जिलों में कोरोना केसेस का चढ़ाव देखा गया है। अभी भी हम दूसरे सर्ज के भीतर हैं। We are still in the midst of the second surge of COVID-19 in our country. The second surge has not concluded. It is not over. Therefore, we have to maintain all necessary precautions, particularly in the light of our experience that after every festival, we see a spike. And therefore, the coming month of September and October are crucial for us, because we would be celebrating a few festivals. So therefore, festivals have to be celebrated with COVID-appropriate behavior. The second wave is still on in India and in some states. An upsurge is being observed in a few districts. We have about 41 districts which have weekly test positivity rate of more than 10%. And we have 27 districts which have weekly test positivity rate between 5 and 10%. The upsurge is being observed, population density is causing the spread. So wherever COVID appropriate behavior is not being observed, there we are seeing a upsurge of cases. 41 जिले में साप्ताहिक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसके अलावा 27 जिले ऐसे भी हैं जहां साप्ताहिक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% के बीच है। जनसंख्या ज्यादा होना केस बढ़ने का मुख्य कारण है। जहां भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा, वहां केस बढ़ रहे हैं। वे ये भी कहते हैं कि कोविड पॉजिटिविटी रेट 5% से कम जिन जगहों पर है, वह जगह अंडर कंट्रोल मानी जाती है, जिसका मतलब ये है कि उन जगहों पर संक्रमण दर काबू में है। केरल में इस वक्त 1 लाख एक्टिव केस है, वहीं दूसरी ओर 4 शहरों में 10,000 से 1 लाख एक्टिव केस मौजूद है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल ने कहा, लोग जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवा लें, क्योंकि यही एक तरीका है कोरोना से लड़ने का। उन्होंने यह भी कहा कि वे जानते हैं कि कोविड का टीका एक डिजीज मॉडिफाइंग टीका है, ना कि एक डिजीज प्रिवेंटिव टीका। इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। टीका कोरोना संक्रमण दर को कम करता है और इन्फेक्शन होने पर मृत्यु होने की संभावना को 98 से 99% तक कम करता है। भारत में अभी तक 60 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। भार्गव आगे कहते हैं कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से परहेज करें और कोरोना नियमों का पालन करें। केंद्र सरकार थोप में ऑक्सीजन की तैयारी कर रही है, ताकि अगर किसी तरह की कोरोना केसेस में उछाल देखी जाती है तो हर संभव कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। दूसरी तरफ वे कहते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को अपना कैप्टिव ऑक्सीजन उत्पादन होना चाहिए। केंद्र स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि अस्पतालों में
मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक होना चाहिए, जिसके लिए वे केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी SOS स्थिति के लिए समान रूप से वितरित ऑक्सीजन भंडारण का इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण दर ना फैले, हम इसी की आशा करेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आदित्य शर्मा आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।